For latest videos of Radio Udaan, do subscribe our YouTube channel and press the bell button. हेलो इंडिया, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपका आज के हिट्स एंड मेमोरीज के एडिशन में। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी दिल की आवाज, आपकी हमनवा, आपकी हमदम, आरजे रेशम, और ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और कैसे हैं आप, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और लास्ट का हिट्स एंड मेमोरी प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। तो स्वागत है आपका इस खूबसूरत सी शाम में, इस खूबसूरत से प्रोग्राम में मेरे साथ। और आज जैसे कि रेडियो उड़ान पर साहिर वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, जी हाँ, बॉलीवुड के महान गीतकार और लाजवाब शायर साहिर लुधियानवी जी की बर्थ एनिवर्सरी जो कि 8 मार्च को है, उस पर हम साहिर वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज का हिट्स एंड मेमोरीज आपको पसंद आएगा। कुछ खास लेकर आई हूँ आगे शो में साहिर जी के बारे में। सुनते रहिए प्रोग्राम को और वापस लौटूंगी इस खूबसूरत से गाने के बाद। आप सुनते रहिए मुझे और ऐसे ही जिंदगी को हल्के फुल्के लम्हों में एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग। ये क्या हुआ तेरे मेरे प्यार की बातें, क्यों दुनिया की नजरों में आ गई, हो तेरे मेरे प्यार की बातें, क्यों दुनिया की नजरों में आ गई है।
वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल नंबर. आप सुन रहे प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज. मेरे साथ मैं हूँ आपकी दिल की आवाज रेशमी रेशम, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो साहिर लुधियानवी जी के बारे में जितना भी कहें उतना कम है. 8 अक्टूबर 1921 को वह जन्मे और उनका रियल नेम अब्दुल हई था. जी हाँ, बायोग्राफी हम सब जानते हैं, बट फिर भी एक भूमिका बना रही हूँ जो नए लिसनर्स हैं, जो लिरिक्स की दुनिया, शायरी की दुनिया से वाकिफ नहीं है, उनके लिए. तो अब्दुल हई उनका नाम था. उन्होंने बचपन में ही बहुत मुश्किलों का सामना किया. उनके पेरेंट्स अलग रहते थे जिसकी वजह से वो बहुत ही लाइक डिस्टर्ब रहते थे, और उनकी माँ ने ही उनका पालन पोषण किया. ग्रेजुएशन उन्होंने लुधियाना से ही की, और जैसे कि आमूमन शायर गीतकार करते हैं, उन्होंने भी अपने नाम में बदलाव किया और अब्दुल हई से साहिर लुधियानवी हो गया, क्योंकि वो लुधियाना से थे इसलिए लुधियानवी. तो और साहिर का मतलब है जादूगर. वो थे ही गीत के जादूगर, शायरी के जादूगर. और क्या पोएट्रीज लिखी है उन्होंने कि वो आज के लिरिसिस्ट के लिए भी इंस्पिरेशन का काम करते हैं. तो आइए इसी बात पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना, और लौटूंगी इस गाने के तुरंत बाद. आप सुनते रहें प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज मेरे साथ, और फीडबैक्स हैं तो बांटना ना भूलें रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी पर, जो कि है RADIO UDAAN, या मेरे ट्विटर अकाउंट पर जो है RJ रेशम के नाम से. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग. खूबसूरत से हिट्स एंड मेमोरीज के दौर को सुनते रहिए. मुझ में यूं बसा, मुझ में रही
तू मुझ में यूं बसा, मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा, तू अब में है, तू ही बाद में, तू ही रूबरू, तू ही याद में, जितना था मैं तेरा हो गया अपना। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल नंबर। आप सुन रहे प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज, मेरे साथ मैं हूँ आपके दिल की आवाज रेशमी रेशम, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रोग्राम चल रहा है साहिर लुधियानवी स्पेशल। और आजकल हम पोएट्री का लेवल देखें, आजकल के टाइम्स में जनरली मैं कहूंगी म्यूजिक से जुड़ी हुई हूं मैं, तो मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती कि आजकल रिक्रिएशंस और रिमिक्स के अलावा और कुछ चल नहीं रहा है। अरे सालों का गाना तो छोड़िए, 3 महीने का गाना भी हिट होता है तो उसको भी रिमेक कर दिया जाता है। लेकिन पहले की पोएट्रीज में 70s, 80s, 60s, 50s की पोएट्री में क्या नजाकत होती थी, क्या तहजीब होती थी, वो आज कहीं खोती जा रही है। अगर हम आइटम सॉन्ग्स की बात लें, आइटम सॉन्ग्स का मुद्दा बहुत बड़ा है ना हमारी फिल्म मीडिया में, कि कुछ भी कर देंगे एक फिल्म में आइटम सॉन्ग तो होना चाहिए, और उस आइटम सॉन्ग के लिए लाइक कैसे लिरिक्स होते हैं। आप जनरली आजकल के टाइम में आप फैमिली के साथ बैठकर आइटम सॉन्ग को एंजॉय भी नहीं कर सकते, ऐसे लिरिक्स होते हैं। बट वही अगर हम उस समय की पोएट्री की बात करें, साहिर लुधियानवी के टाइम की पोएट्री की बात करें, एक गीत है आनंद बख्शी साहब का और मूवी थी आए दिन बहार के, और उसमें आशा पारेख जी स्टेज पर हैं और वो लिरिक्स देखिए, एक स्टेज शो चल रहा है, कहानी से आइटम सॉन्ग को कोई लेना देना नहीं है, बट लिरिक्स देखिए क्या नजाकत है लिरिक्स में, कि खत लिखते सावरिया के नाम बाबू, खत लिखते सावरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पर लिखते सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, खत लिख दे सावरिया के नाम बाबू, खोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। लिरिक्स की नजाकत देखिए, पोएट्री की अदबी देखिए कि क्या अदब से पोएट्री लिखी जाती थी उस समय, और आज के टाइम में भी एक ऐसे बेहतरीन लिरिसिस्ट है जो कि साहिर लुधियानवी की पोएट्री से काफी इंस्पायर्ड है, और उनकी क्लिपिंग मैं लेकर आती हूँ इस गाने के बाद और बताती हूँ वो कौन है, मेरे भी पर्सनल फेवरेट है। आप सुनते रहे प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज, आई बी राइट बैक आफ्टर दिस नंबर। उम्मीद है आपको आज का शो एंजॉय कर रहे होंगे आप, और अगर आप चाहते हैं मैं कोई आपकी फेवरेट पोएट्री आपके लिए रीड करूँ हिट्स एंड मेमोरीज शो में, बिकॉज मुझे पोएट्रीज पढ़ने का बहुत शौक है, किताबों से तो मुझे बे इंतहा मोहब्बत है, तो आप मुझे आपकी वो पोएट्री लिखकर भेज सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पर, या फिर उड़ान लाइव शोज में भी बता सकते हैं, या मेरे फेसबुक मैसेंजर में छोड़ सकते हैं जो कि आरजे रेशम तलवार है मेरा फेसबुक प्रोफाइल, तो मैं आपकी पोएट्री आपके लिए रीड करूंगी, आपकी फेवरेट पोएट्री, आपकी नज्म या कोई भी गीत या नज्म आप उससे रीड कराना चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड इन हिट्स एंड मेमोरीज, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड। चल पड़ा
बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खूबसूरत से गाने के बाद। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दिल की आवाज रेशमी रेशम इन द प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सो और मैं एक बात जो मैंने कहा था गाने
से पहले कि एक ऐसे लिरिसिस्ट हैं जो साहिर लुधियानवी की पोइट्री से बहुत इंस्पायर्ड हैं और वो खुद को उनका एकलव्य मानते हैं और उन्हें वो द्रोणाचार्य मानते हैं। जी हाँ, साहिर लुधियानवी ने यूं तो मेन स्ट्रीम के लिए काफी सॉन्ग्स लिखे बट उन्होंने इसके साथ साथ एक अपनी पोएट्रीज की किताब पब्लिश की, शायरियों की किताब उनकी आई जो कि थी तलखियां, जिसमें उनकी लाइफ से उपजे एक्सपीरियंसेस भी सामने आए कि लाइक उनकी लाइफ में जो उन्होंने फेस किया था, जो दर्द था, वही उनकी पोएट्रीज में निकल कर आए। तो इसी के साथ तलखियां के बारे में जिक्र कर रहे हैं आज के मशहूर शायर, मेन स्ट्रीम लिरिसिस्ट, मेरे काफी फेवरेट हैं और क्या लिखते हैं वो। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, गलियां, तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा और काफी सारे सॉन्ग्स उन्होंने लिखे हैं। कौन तुझे यूं प्यार करेगा, मनोज मुंतशिर। तो मनोज मुंतशिर को सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं साहिर लुधियानवी जी के बारे में। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग होगा साहिर लुधियानवी जी का, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और ये थोड़ा हट के सॉन्ग होगा, ओरिजिनल नहीं है, कवर है। एंजॉय कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा सुनकर। और सुनते हैं मनोज मुंतशिर के द्वारा कि वो अपने द्रोणाचार्य के बारे में क्या कह रहे हैं। तो सुनते रहे प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस अमेजिंग कन्वर्सेशन एंड दिस सॉन्ग। और ब्रेक भी लेना बनता है गाइस, ब्रेक लेना बनता है मेरा, क्योंकि आपको भी तो थोड़ा सा रेस्ट देना ना, जाइए पानी वानी पीकर आइए वापस से, और सुनते रहिए प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज मेरे साथ। I'll be right back। अब ये तो किसी से छुपा नहीं है कि मैं साहिर को अपना द्रोणाचार्य मानता रहा और खुद उनका एकलव्य बना रहा। एकलव्य की तो मुलाकात फिर भी द्रोणाचार्य से हो गई थी, मैं तो कभी साहिर साहब से मिला भी नहीं। दरअसल मेरी पैदाइश के 4 बरस बाद ही उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैं जो कुछ बन पाया, वो उनको पढ़ के और उनको सुन के ही सीखा, उनको सुन के ही बन पाया। आज़ादी के तकरीबन 3-4 साल पहले ये दीवान पब्लिश हुआ था तलखियां, तब उर्दू में, उर्दू की लिपि में, अभी तो मेरे पास हिंदी में है। इसमें एक नज्म थी दोस्तों, ताजमहल। इस नज्म ने उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान को, बल्कि सच कहूं तो पूरे एशिया को झकझोर के रख दिया था। ताजमहल हमेशा प्यार करने वालों के लिए एक मॉन्यूमेंट रहा है मोहब्बत का, एक प्रतीक रहा है प्यार का, एक निशानी रही है मोहब्बत की, एक ऐसी जगह जहां प्यार करने वाले मिलते हैं, कस्में खाते हैं, वादे करते हैं एक दूसरे से हमेशा साथ निभाने की। लेकिन साहिर साहब ने ताजमहल को एक अलग नजरिए से देखा और इस नजरिए ने सचमुच पूरे देश को, दुनिया को हिला दिया। साहिर अपनी माशूका से कहते हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। यानी कि चलो मान लिया कि ताज तुम्हारे लिए मोहब्बत की निशानी है, मोहब्बत का प्रतीक है, तुमको ये वादियां, ये माहौल बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहां मत मिला करो मुझसे, कहीं और मिला करो। क्यों? साहिर आगे बयान करते हैं कि बज़्मे शाही में गरीबों की गुजर क्या मानी, सप्त जिस राह पे हो सतवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। यानी बादशाहों की महफिल में गरीबों का क्या काम, वो रास्ते जिन पे बादशाहों के घोड़े दौड़ते रहे वहां मोहब्बत करने वाले सफर करें, ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीरे वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। साहिर अपनी माशूका से कहते हैं कि तुमने ये जो वफा और मोहब्बत का पर्दा है, इस पर्दे की आड़ में कितनी अय्याशियां हैं वो कभी देखी नहीं। तुम ये बादशाहों के मकबरे देख के खुश होती हो, कभी अपने अंधेरे मकानों की तरफ भी देखो। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरफ मुफलिस थे। साहिर कहते हैं कि क्या दुनिया में और किसी ने मोहब्बत नहीं की? हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों ने मोहब्बत की, लेकिन उनके पास दिखावा करने के लिए इतनी दौलत, इतने पैसे नहीं थे कि वो ताजमहल बनवा पाए। ये इमारतों मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहनशाहों की अजमत के सुतून,
दामने दहर पे उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। यानी ये जो इमाराती मकाबर, ये जो शानदार इमारत है और ये जो नक्काशियां हैं इस पे, ये नक्काशियां तुझे पता है कैसे हुई हैं? तेरे और मेरे बुजुर्गों के खून से हुई हैं ये नक्काशियां। साहिर हमेशा खुद को उन मजदूरों की औलाद मानते रहे जिनके हाथ कलम कर दिए गए ताजमहल बनाने में। तो जाहिर सी बात है कि साहिर का रिश्ता बादशाहों से नहीं, मजदूरों से था, उस मेहनतकश कौम से था जिसने वो इमारत खड़ी की थी। मेरी महबूब, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। यानी कि मेरी महबूब, क्या उन्होंने प्यार नहीं किया? उन मजदूरों ने, उन कारीगरों ने प्यार नहीं किया जिन्होंने ये इमारत बनाई है, इसको ये खूबसूरती और ये वकार दिया है? मेरी महबूब, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक उन पे जलाई ना किसी ने कंदील। यानी उन्हें भी किसी से प्यार रहा होगा, लेकिन उनके प्यार करने वालों को कौन याद करता है? उनकी मजारों पे कौन दिए जलाता है? कौन फूल चढ़ाता है? ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब, कहीं और मिलाकर मुझसे। साहिर ने ताजमहल से बगावत कर दी और ताजमहल के पर्दे में साहिर ने दिखावे की मोहब्बत से बगावत कर दी, और इस बगावत ने रातों रात उन्हें करोड़ों ऐसे आशिकों का, ऐसे नौजवानों का, ऐसे प्यार करने वालों का महबूब बना दिया जिनके पास देने के लिए दिल के सिवा कुछ नहीं था। साहिर इस लफ्ज का मतलब होता है जादूगर। सचमुच जादूगर ही तो थे साहिर।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं सिमट रही है कुशर होती है हमारी जिंदगी की तरह जिनमें होता है एक्शन। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। इमोशंस छोड़ मुझे भगवान के लिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ पाँव पड़ती हूँ मुझे छोड़ दीजिए। रोमांस अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। कॉमेडी उठा ले रे बाबा उठा ले मेरे को नहीं रे इन दोनों को उठा ले और ढेर सारा म्यूजिक बहुत सारी फिल्मों की कहानियाँ हम आपको सुनाएंगे प्रोग्राम बायोस्कोप में हर शनिवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान अ फ्लेज ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खोलती हैं किताबें और बनाती है आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत और हसीन। इन्हीं किताबों को आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनाने मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ शो बुक वर्ड जिसमें होंगी वो किताबें जिन्हें आप खुद पसंद करेंगे। इस शो को सुना ना भूलिए हर बुधवार रात 8 से 9 बजे तक और हर गुरुवार दोपहर 3 से 4। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। Keep listening Radio Udaan। उफ़ो मम्मा कहाँ जा रही हूँ मुझे बहुत सारा वक्त है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही मैं कैसे करूँगी। उफ़ो बेटा आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है प्लीज बेटा मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूँगी सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा मम्मा भी चले गए पापा भी चले गए भैया भी नहीं है मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान ऑन योर रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बॉलीवुड के कुछ चटपटे रसीले किस्से यहाँ बना तुसी ग्रेट हो तोफू कबूल करो। आपके अपने चहेते कलाकारों की संघर्ष से सफलता की कहानियाँ। जब आंसू खत्म हो जाते हैं डॉक्टर तो रोने का काम हंसी से लेना पड़ता है। और उनके कुछ रोमांचक किस्से तुम्हारा प्यार अगर मेरा साथ लेता तो मुझे जिंदगी में यह खुशी कभी नसीब ना होती। मैं रफ्तारी रुचिका लेकर आती हूँ आपके पास उस शो में जिसका नाम है बीते लम्हे। बुधवार शाम को 7 से 8 सुन सकते हैं और रिपीट टेलीकास्ट सुनेंगे बृहस्पतिवार को दोपहर 2 से 3। सुनते रहिए बीते लम्हे रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है टीवी।
मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मोर मोर मोर। करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से, शेयर करिए अपने प्यार की कहानी विद मेरी जुबानी। अपने प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं pwopatel55@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudaan.com। सुनते रहिए, जिंदगी खूबसूरत है, विद आरजे धड़कन ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudaan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार तू आजकल क्लास में बहुत आंसर्स दे रही है, कोई मेमोरी बढ़ाने की मेडिसिन ले रही है क्या? ये मेरी मेमोरी का कमाल नहीं, ईवो E5 डेजी प्लेयर का कमाल है, जिसने हम विजुअली चैलेंज लोगों की स्टडीज को और आसान बना दिया है। ओ तो ऐसी भी क्या खास बात है इस ईवो E5 में? अरे ई बुक्स पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है स्टॉप वॉच, वॉइस रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, टॉकिंग कंपास, FM रेडियो जैसी यूजफुल चीजें एक साथ है। अमेजिंग। लेकिन यार PDF फाइल्स पढ़ने का भी कोई जुगाड़ है इसमें? अरे PDF टेक्स्ट के अलावा e-text, EPUB, डॉक्यूमेंट फाइल और HTML फाइल्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसे संभालेगा कौन? अरे ये तेरी पॉकेट में आसानी से आ जाएगा। बैटरी के साथ इसका वेट सिर्फ 76 ग्राम्स है। इंटरनल फ्लैश कैपेसिटी 4 से 8 GB, सपोर्टेड माइक्रो SD कार्ड, एक्सपेंडेबल मेमोरी अप टू 32 GB। बस बस यार जल्दी बताई, मिलेगा कहाँ से? अरे और कहाँ, सक्षम से। हेल्पलाइन नंबर दूं क्या? अरे मेरे पास भी है 01164650655। ईवो E5 डेजी प्लेयर न्यूआंस वोकलाइजर के साथ अंग्रेजी के अलावा 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये भाषाएं हैं हिंदी, कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु। ईवो E5 डेजी प्लेयर के लिए थैंक्स सक्षम। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings, accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. For latest videos of Radio Udaan, do subscribe our YouTube channel and press the bell button. वो अफसाना जिसे अंजाम पर लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा। जो थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी यूं ही गुजर जाए तो अच्छा। वैसे तो तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है, वैसे तो तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है। इल्जाम किसी और के सर पे जाए तो अच्छा। वेलकम बैक आफ्टर दिस अमेजिंग ब्रेक और अमेजिंग सॉन्ग जो आपने सुना। होप आपको मनोज मुंतशिर के लफ्जों में साहिर लुधियानवी जी के लिए जो उन्होंने कहा और वो खूबसूरत सी कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सुन रहे प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज, मेरे साथ मैं हूं आपके दिल की आवाज रेशमी रेशम। और साहिर लुधियानवी एक ऐसे शायर थे जिनके जीते जी उन पर 2 मूवीज पिक्चराइज हो चुकी थी, जी प्यासा और कभी कभी। प्यासा में भी जो हीरो होता है वो सिस्टम के खिलाफ लिखता है, और कभी कभी में अमिताभ बच्चन को
मोहब्बत की शिकस्त मिलती है और उनकी महबूबा की शादी किसी और से हो जाती है और उन्हें भी किसी और के साथ शादी करनी पड़ती है। तो जब इसका म्यूजिक बन रहा था तो खयाम साहब को साहिर लुधियानवी जी ने कहा, बस ऐसा ही समझ लीजिए कि ये कहानी आपके दोस्त की जिंदगी पर है। तो इतने रेनाउंड पोएट थे वो कि हम आज भी उन्हें याद करते हैं। आप एक मिनट के लिए जरा सोचिए। चलिए मैं आपको पूछती हूँ कि आपको लास्ट ईयर के कितने लिरिसिस्ट के नाम याद हैं, किस किस ने काम किया था, किस किस ने अच्छे लिरिक्स लिखे थे और कितने अच्छे सॉन्ग गाए थे। लास्ट 2018 का ही दे रही हूँ, ज्यादा पीछे का भी नहीं दे रही। जी हाँ, आप कहेंगे रुस्तम आई थी और कुछ अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स कोई लोग कहेंगे। समय के साथ हम भूल जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है, आजकल मैं देखती हूँ कि लोग गाने गुनगुनाते हैं कि ये गाना उन्हें अच्छा लगा, वो उसे गुनगुनाते हैं, पर उन्हें ना शायर का नाम पता होता है, ना गीतकार पता होता है, ना संगीतकार पता होता है। सिंगर इसलिए पता होता है क्योंकि उसका गाना हम सुनते हैं, उसके पीछे के पर्दे के पीछे के जो लोग होते हैं उनका नाम काफी कम लोगों को पता होता है। बट थैंक्स टू सोशल मीडिया साइट्स, जिन लिरिसिस्ट के गाने ज्यादा चलते हैं उनके नाम फिर भी कई बार लोगों को याद रह जाते हैं। बट उस टाइम में ये सब नहीं था, बट फिर भी आज भी हम इन्हें बे इंतहा याद करते हैं और इनके जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं, इनका काम बोलता था और इनका काम हजारों शायरों के लिए एक इंस्पिरेशन है और हमेशा रहेगा। तो सुनिए खूबसूरत सा गाना, लौटूंगी इस गाने के बाद। सुनते रहे प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग। कुछ दर्द मुझे तू सहने दे, अंदर से जिंदा रहने दे, आंखें बंजर हो जाएंगी, कुछ अश्क मेरे तू बहने दे। कुछ दर्द मुझे तू सहने दे, अंदर से जिंदा रहने दे, आंखें बंजर हो जाएगी, कुछ अश्क मेरे तू बहने दे। कुछ हासिल है
आज मगर मिटती ही नहीं क्यों तेरी कमी नींदों में सही ख्वाबों में सही बाहों में तेरी सो लेने दे कुछ दर्द मुझे तू सहने दे अंदर से जिंदा रहने दे आंखें बंजर हो जाएंगी कुछ आश्क मेरे तू बहने दे वेलकम बैक आफ्टर दिस अमेजिंग नंबर आप सुन रहे प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज मेरे साथ मैं हूं आपकी दिल की आवाज रेशमी रेशम ओनली ऑन रेडियो उड़ान और मैं ये कह रही थी कि आजकल के म्यूजिक इंडस्ट्री में लोग क्वालिटी नहीं क्वांटिटी के पीछे दौड़ रहे पर मैं यही कहना चाहूंगी कि आप क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी का पीछा कीजिए आखिर क्यों ये नाम मजरू सुल्तानपुरी खयाम साहिर लुधियानवी जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मोहम्मद रफी किशोर कुमार और कई ऐसे नामों को आज भी हम बेतहाशा याद करते हैं और ये हमसे भुलाए नहीं बनते हैं क्यों क्योंकि ये खुद नहीं इनका काम बोलता था इन 1980 में 59 वर्ष की आयु में साहिर लुधियानवी जी हार्ट अटैक की वजह से हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत तो हो गए पर उनकी शायरी उनकी नस्में उनके गीत आज भी हमारे दिलों में वैसे ही जिंदा है और आने वाली जनरेशन को लिखने के लिए यूं ही इंस्पायर करते आ रहे हैं
आज का अगर मैं परफेक्ट एग्जांपल दूं तो मनोज मुंतशिर और म्यूजिक कंपोजर मिथुन को मैं देखती हूँ। मिथुन जो मेरे अच्छे फ्रेंड भी हैं और मेरे आइडियल भी हैं, मेरे द्रोणाचार्य भी हैं, वो कभी भी साल में 10 गाने या 12 गाने करने के पीछे नहीं चलते, सिर्फ एक गाना ऐसा करते हैं जो लोगों के दिलों में राज करता है। तुम ही हो तो सुना होगा ना आपने आशिकी 2 का। मैं कोई ऐसी मैरिज पार्टी या एनिवर्सरी नहीं देखती जिसमें वो गाना आज की डेट में ना बजाया जाए, और मूवी को आए हुए काफी वक्त हो गया। साहिल लुधियानवी जी अपनी जिंदगी की बातें अपनी कलम के जरिए शायरी में उतार गए। मुझसे पहले जो शायर थे वो आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत इस शो से। सुनिए अगला प्रोग्राम कहानी लफ्जों की आरजे मिश्री के साथ। मैं लौटूंगी आपके साथ म्यूजिक मसाला में, और इन कलम के बादशाहों को मेरा दिल से सलाम जो आज भी अपने गीतों के जरिए, अपने संगीत के जरिए, अपनी कलम के जरिए हमारे दिल को जिंदा और आबाद रखते हैं और हमें अपने काम को करने के लिए इंस्पायर करते रहते हैं। तो सुनते रहे रेडियो उड़ान, मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। शबा खैर, बाय, टेक केयर। लिखते रहिए अगर आपका पैशन है लिखना, और सुनते रहिए ऐसे ही ब्यूटीफुल पोएट्रीज। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग। बाय। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे करो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। जाते हो तुम जान जाती है
जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जान, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जाने जान, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो।